नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा पूरे के पूरे झारखंड का मौसम? लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, कुंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड के किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की मिली ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव हो चुका है। रांची समेत तेज हवाओं के साथ घने कोहरे के साथ अब परिवर्तन देखने को मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक झारखंड में एक बार फिर से मौसम मिजाज बदलेगा। 11-12 फरवरी के बाद गरज चमक के साथ इन दिनों में दोस्तों बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट भी जताए जा रहे हैं, साथ में तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी है और मौसम ठंडा सोना भी नापा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर दोस्तों बड़े बदलाव आने की संभावना जो है कुछ दिनों तक नहीं है, लेकिन 10 फरवरी के बाद कोहरा और धुंध भी छाए रहेगा, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 12 तारीख के बाद सुबह से कोहरा छाए रह सकता है, इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और झारखंड के पूर्व और दोस्तों निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बरसात होने का अनुमान है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना तो नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों में धीरे धीरे दोस्तों जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और यहां पर मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान कोहरा और धुंध छाए रहने के साथ मौसम मिला जुला साफ सुहाना भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में पिछले कई दिनों के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव देखा गया, जिसके कारण खास करके राज्यवासियों को कई जगहों पर मौसम में बदलाव भी देखने को मिला, असर भी पड़ रहा है और राज्य में दोस्तों ठंड के बाद अचानक गर्मी और फिर उसके बाद जो है ना अचानक ठंड, यानी कि दोस्तों मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आज भी कई जगहों पर बदलाव देखने को मिलेगा, अलग अलग हिस्सों पर मौसम में बदलाव के साथ कोहरा भी छाया है। मौसम विभाग की माने तो पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में कुछ जगहों पर दोस्तों हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है और यहां पर दोस्तों 10 तारीख तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबूंदी और मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राज्य में यहां पर दोस्तों जो हल्की बरसात हुई, उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, ज्यादातर इलाकों पर मौसम में ठंडक और बदलाव भी आया है। यहां पर दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ और भी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों राजधानी में भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर झारखंड में विभिन्न हिस्सों में बरसात की गतिविधियों के बाद अचानक ठंड आई है। वही दोस्तों यहाँ पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम मिजाज बदला है। दरअसल मंगलवार और बुधवार को पारा गिरने लगा, पारा गिरने के साथ कंपकंपी बढ़ गई है और ठिठुरन बढ़ने के साथ ही और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत झारखंड का भी मौसम बदला है बरसात की गतिविधियों के बाद। राजधानी रांची में 24 घंटों में मौसम कई जगहों पर दोस्तों साफ सुहाना रहा तो आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। रांची में भी मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव देखने को मिला। यहां पर गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला समेत अगले 24 घंटों के दौरान बूंदाबूंदी कुछ जगहों पर हो सकती है तो ज्यादातर इलाकों पर न्यूनतम तापमान बोकारो में 15.1, चतरा में 16.2, देवघर में 15.6, धनबाद में दोस्तों यहां पर जो है ना 14.4, गढ़वा में 16, गिरिडीह में 15.7, गोड्डा में 13.2, हजारीबाग में 15 और इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो यहां पर जामताड़ा में 15, खूंटी में 14, लातेहार में 14.7, लोहरदगा में 14.9, पाकुड़ में 14.4, पलामू में 15.2, रामगढ़ में 15.7, रांची में 15.4, जमशेदपुर में 17 और डाल्टनगंज में 15.9 और चाईबासा में 16, साहिबगंज में 13.5 के करीब न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम में हलचल और परिवर्तन के साथ बदलाव भी आया। आप झारखंड के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए झारखंड की तो आप देख सकते हैं लोहरदगा में 13-14-15 रात के समय, दिन में 23-24 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे लातेहार में 13-14 रात के समय, दिन में 24-25 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ मौसम मिला जुला भी रह सकता है और हलचल अधिक से अधिक होने के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। साथ में यहां पर दोस्तों पूरे कोडरमा में 13-14 रात के समय, दिन में 22-23 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन भी होगा और मौसम मिला जुला भी देखने को मिल सकता है। साथ में यहां पर खूंटी में 13-14 रात के समय, दिन में 24-25 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम में ठंडक के साथ हलचल और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। जामताड़ा में दोस्तों 16-17 रात के समय, दिन में 24-25 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। साथ में यहां पर दोस्तों हजारीबाग में 13-14 रात के समय, दिन में 22-23 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना गुमला में 13-14 रात के समय, तो दिन में 27-28 के करीब
तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन भी जरूर होगा। यहाँ पर गोड्डा में 12, 13, 14, 15, 16 रात के समय, दिन में 23-24 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार के बाद हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ हलचल भी अधिक से अधिक जगहों पर होगी। वही दोस्तों गिरिडीह में 14, 15, 16, 17 रात के समय, दिन में 23-24 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर गढ़वा में 14, 15, 16 रात के समय, दिन में 23-24 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा सोना और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। पूर्वी सिंहभूम में 18, 19, 20 रात के समय, दिन में 28, 29 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और हलचल अधिक से अधिक होगी। इसी के साथ दुमका में 16, 17, 18 रात के समय, दिन में 24, 25 पूरे 5 से 6 दिन बादल छाए रहेंगे, सोमवार के बाद बूंदाबूंदी हो सकती है, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों यहाँ पर धनबाद में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देवघर में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल होते हुए नजर आएगी। वही दोस्तों यहाँ पर भी 7 से 8 दिन के बाद बूंदाबूंदी हो सकती है और मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोकारो में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ मौसम मिला जुला और उतार चढ़ाव भी जरूर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर जो है चतरा में 13-14 रात के समय, दिन में 22-23 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होते हुए नजर आ सकती है, साथ में ठंडा सोना भी मौसम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सिमडेगा में 17-18-19 रात के समय, दिन में 28-29 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा और बादलों की वजह के साथ कुछ जगहों पर और भी ज्यादा मौसम मिला जुला रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना खरसाओं में बूंदाबूंदी जारी है 17-18 रात के समय, तो दिन के समय 28 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम ठंडा सोना और मौसम मिला जुला भी रहेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बादल छाए रहने के आसार भी ज्यादा जो है जगहों पर देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव भी जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर अनेक इलाकों पर दोस्तों मौसम में ठंडक के साथ सरायकेला में बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। साहिबगंज में 14, 15, 16 रात के समय, तो दिन के समय 23 के आसपास तापमान रहेगा, पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होने के साथ बदलाव भी जरूर देखने को मिलेगा और ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ रांची में 13-14 रात के समय, दिन में 24-25 बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला भी रह सकता है और परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होगा। इसी के साथ दोस्तों रामगढ़ में जो है 13-14 रात के समय, दिन में 25-26 बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियां जारी है, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और हलचल होने के साथ उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और परिवर्तन के साथ बदलाव भी जरूर होगा। पलामू में 14, 15, 16 रात के समय, दिन में 23-24 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और बदलाव देखने को मिल सकता है और कुछ कुछ जगहों पर दोस्तों और भी ज्यादा मौसम ठंडा सोना रहने के साथ हलचल देखने को मिल रही है। साथ में पाकुड़ की बात करें तो 15-16 रात के समय, दिन में 24-25 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिलेगा और बदलाव भी जरूर होगा। तो यह था दोस्तों ज्यादातर इलाकों पर मौसम जो है पूरे के पूरे झारखंड का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।